दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की जासूसी करा रहे थे। इससे जुड़े दस्तावेज एजेंसी को तब मिले जब ईडी ने 21 मार्च गुरुवार को पूछताछ करने उनके घर पहुंची थी। ईडी ने केजरीवाल के घर से 150 पेज के दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों में ईडी के दो संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट है। अधिकारियों के बारे में ये दस्तावेज कहां से आए, क्या ये जासूसी का मामला है या कुछ और, ईडी रिमांड कॉपी में इसका जिक्र कर मामले को कोर्ट में उठाएगी। जांच एजेंसी को इसके सबूत मिले हैं कि ईडी के दो अफसरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसके साथ ही रिमांड पेपर में एक्साइज पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जो कमेटी थी वो सिर्फ दिखावा थी, पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिससे कि घूस ली जा सके। सूत्रों की माने तो केजरीवाल के घर से 150 पन्नों के जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कुछ अफसरों के काम, परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में पूरी जानकारियां जुटाई जा रही थी। बता दें कि बरामद हुए दस्तावेज को एक तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। फिलहाल इन कागजों को ईडी के सीनियर ऑफिसर्स के पास भेजा गया है, लेकिन अगर इन दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी सच निकली तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इन अधिकारियों की पहचान गुप्त रखी गई है। एजेंसी द्वारा जो आधिकारिक पंचनामा बनाया गया है उनमें इन दस्तावेजों का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि शुक्रवार को ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट में ईडी केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सबूत पेश करेगी। इससे पहले बीते दिन गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल के आवास पर छापेमारी करके करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ की और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली सीएम की पूरे रात ईडी के लॉकअप में कटी। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के राव जबनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की तरफ से 3 वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। बता दें कि इस केस में ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी है। वहीं आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर राव जबनी कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट में पहुंचने के बाद सीएम केजरीवाल की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या फिर बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हूं या बाहर।